सलमान हमेशा कहते हैं कि इन्होंने ये फिल्म मेरे लिए नहीं, मेरे पापा के लिए की, एंड इनफैक्ट इनका ये लेबल है आज बीइंग ह्यूमन, लेकिन मेरे पापा हमेशा कहते थे कि इस इंडस्ट्री में एक दिल वाले इंसान है, एक रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज सलमान, एंड आई हैव ऑलवेज हेल्ड दैट बिकॉज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम। मैं हूं आपका दोस्त आशु स्मूथ खान। जैसा कि आपने देखा करण जौहर ने क्या कहा, करण जौहर ने कहा कि उनके फादर जब थे उन्होंने कहा था कि इस इंडस्ट्री में एक ही दिल वाला है जिसका नाम है सलमान खान। देखो जो सलमान खान को ट्रोल करते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, बताओ सालों दुनिया में कोई ऐसा इंसान बता दो जिसमें कोई कमी ना हो। ऐसा कोई इंसान धरती पे पैदा ही नहीं हुआ जिसके अंदर कमी ना हो, क्योंकि हर शख्स में कुछ ना कुछ कमी जरूर है, क्योंकि चांद में भी दाग है, तो इंसान की क्या औकात है, बात समझे कि नहीं। कोई ऐसा इंसान, इसलिए पांचों उंगली बराबर नहीं है, तो कमी हर इंसान में कुछ ना कुछ होती है। मैं उन नल्लों से कहना चाहता हूं, अगर एक पॉइंट कहीं से पकड़ के तुम सलमान खान के बारे में ट्रोल करते हो या सलमान खान के बारे में गलत हर वक्त प्रूफ करने पर लगे रहते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, उसके बावजूद अगर तुमको ये सब वीडियो नजर आती है जहां सलमान खान ने बड़े से बड़े लोगों की मदद की है, लोगों का कितना सपोर्ट किया है, कितने गरीबों की इलाज किया है, खाना आज भी कितने लोगों का घर चलाते, ये सब चीजों के बारे में कभी अच्छा बोल दो यार, तो मैं समझू यार तुम भी कुछ अच्छे इंसान हो, वरना कभी इसकी भी तारीफ कर दिया करो कि हाँ सलमान खान ने इतने गरीबों की मदद करते हैं, सलमान इतने लोगों के घर चलाते हैं, ये सब भी कभी कह दिया करो बे झूठे मन से, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर लानत पड़ती है। खैर सलमान खान की बुराई करना तुम्हारी आदत है, बिना उसके रोजी रोटी कहाँ मिलने वाली है यार, तो करते रहो, मानने वाले तो हो नहीं। बहरहाल मेरे कहने का मतलब उसके ऊपर जरूर कि ऐसा दिल वाला, ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए सोचता हो, ऐसा कोई भी नहीं है, बात समझे कि नहीं। बहरहाल ये बात उस टाइम की, जब आपको पता है कुछ कुछ होता आ रही थी करण जौहर की पहली फिल्म, उस वक्त सलमान खान ने बिना देखे बिना जाने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया था, जहां बड़े बड़े एक्टर ने मना कर दिया था, जो कि करण जौहर पहली फिल्म थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये फिल्म मैं कर रहा हूं और ये फिल्म कोई पागल ही कर सकता है, सलमान खान ने बोला था। और ये चीजों का ये चीज जो ये बातें है ना, वो करण जौहर हर एक फंक्शन में, हर एक इंटरव्यू में, हर एक शो पे, हर जहां बोलते जरूर है, क्योंकि उनको पता है कि सलमान खान वो बोलना की होते तो शायद ही कुछ कुछ होता का ना जाने क्या अंजाम होता, और वो कुछ कुछ होता का अमन के कैरेक्टर जिससे लोग कतरा रहे थे, वो अमन के कैरेक्टर को जिंदा कर दिया सलमान खान ने, जो आज भी लोगों को याद है कि सलमान खान की वो एंट्री, साजन जी घर आए और उसके बाद जितनी भी सीन में सलमान खान फ्रेम में है वो एक अलग छाप छोड़ गए फिल्म के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं, लोगों को पता है। बहरहाल सलमान खान का नेचर की बात है तो एक बार बता दूं, रात हो जाएगी इतनी उनकी कहानियां है ना कि पिछवाड़े कितने लोग को जलने लगेंगे सुन सुनकर, पतन कहां से ये बुराई ढूंढते हैं सलमान खान की मुझे नहीं पता। लेकिन बात करें दाबुल की, तो दाबुल की एक्साइटमेंट तभी बढ़ गई थी जब सलमान भाई एक इंटरव्यू में बोल चुके थे वो दाबुल फिल्म कर रहे थे, फिर ये भी पता चल गया कि उसका महबूब स्टूडियो में मुहूर्त शॉट भी हो चुका है, फिर उसके बाद ये था फरवरी से उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, फिर पोस्टपोन होते हुए उस पर कई कारण लगे, कई एलिगेशन लगे, कुछ चीजें कोई किसी कहना ये था वो था, बहरहाल। लेकिन बाद में विष्णुवर्धन का भी लेटेस्ट 2-3 हफ्ते पहले उनका इंटरव्यू आया कि वो नेक्स्ट फिल्म सलमान खान के साथ कर रहे हैं और करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन में अपनी दाबुल आ रही है। तो दाबुल, करण जौहर एंड सलमान खान को फिर से, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम यार कुछ कुछ होता के बाद करण जौहर एंड सलमान खान एक साथ आएंगे, क्योंकि करण जौहर ने कई बार स्टेज शो पे कहा है कि उनका एक सपना है कि सलमान खान के साथ काम करने का, बट इसमें वो प्रोड्यूसर है ना कि डायरेक्टर है। लेकिन करण जौहर कहना था कि मैं एक फिल्म में डायरेक्ट करना चाहता हूं सलमान खान को। अब ये चीजें कब होंगी ये तो बात की बात है, लेकिन दाबुल तो 100% होगी, और दाबुल कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि सलमान खान, करण जौहर, साथ में विष्णुवर्धन, एक नेशनल विनिंग डायरेक्टर, मुझे नेशनल विनिंग से मतलब नहीं, एक डायरेक्टर वो अच्छा है, मेन बात ये है। अब उसको हम बार बार ये जताने की कोशिश करें नेशनल विनिंग वो बात की बात है, लेकिन डायरेक्टर अच्छा है, उसमें काबिलियत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो सलमान भाई को एक अच्छे रोल में प्रेजेंट करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों ने जो सलमान को नहीं दिखा उस तरीके से वो दिखाएंगे पर्दे पे नए तरीके से, और जिसे देखकर आपको मजा आने वाली है। और दाबुल का अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ जिसके लिए लोगों को बेचैनी हो रही है कब होगा, क्योंकि इसका नाम सिकंदर से पहले आया था, बट सलमान भाई जो इस टाइम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि वो एक फिल्म में पूरा फोकस दे रहे हैं जो कि सिकंदर है, उसके बाद दाबुल के बारे में सोचेंगे, और आएगी जरूर, ये तो पता है कि दाबुल है, उसके बाद बजरंगी भाईजान 2 है, मैंने आपको पता है बहुत फिल्में हैं, लेकिन दाबुल का अनाउंसमेंट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की जो एक्साइटमेंट है ना ये टाइगर 3 के बाद दाबुल को लेकर बनी थी, यार दाबुल सलमान खान आ रहे हैं, पैरामिलिट्री के ऑफिसर भूमिका में होंगे, विष्णुवर्धन को डायरेक्ट करने, मतलब लोगों के अंदर सोचो नहीं क्या क्या सपने पल रहे थे वो सोचकर, और वो बुझता वो फिर नजर आया, लेकिन उसको फिर हवा दे दी थी विष्णुवर्धन ने कि ये फिल्म आ रही है, और मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा था ये फिल्म बनेगी बनेगी बनेगी, जब लोग बोल रहे थे ये फिल्म बंद हो गई, क्योंकि मैं जो बोलता हूं होता जरूर है, दाबुल तो आएगी 110% है, वो आएगी जरूर आएगी, बस ये देखना है कि दिसंबर में इसकी शूटिंग स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। लेकिन करण जौहर की ये वीडियो जो है, ये एक अच्छे इंसान, सच्चे इंसान जो होगा ना
उसकी आंख भर आएगी, क्योंकि सलमान खान से जो हेट भी करेगा ना, वो वीडियो देख के उसको प्यार जरूर करेगा। यार ये बंदा सच में दिल का राजा इंसान है, सलमान जैसा दिल किसी का नहीं है, जो खुद को लुटा के दूसरों को चेहरे पे मुस्कान दे, उसका नाम सलमान खान है। बहरहाल दाबुल के लिए हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है।